ओके सो लेट देम एंजॉय देयर फूड ओके तब तक हम लोग क्या करेंगे नैतिक तो देखो नैतिक क्रिया तीन है नैतिक क्रिया है वो नॉस्ट्रिल में डालने का नथुनी में फिक्स रखने का एल्बो रिलैक्स शोल्डर मसल्स रिलैक्स नॉर्मल ब्रीथिंग इज देयर एंड जस्ट रेज योर एल्बो अप 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 सो दैट वॉल्यूम कम फ्रॉम अदर नॉस्ट्रिल Go to the other nostril. Yes, very good. देखो ये क्रिया से बहुत सारे ये क्रिया किसने नहीं करने का कॉन्ट्रा इंडिकेशन सी जिसको नोजल ब्लॉक है क्या जो उसका कुछ इंजरी है अंदर तो नहीं करने इसके बहुत सारे फायदे हैं फायदे यानी अंदर का स्किन है उधर नर्व एंडिंग रहते हैं नर्व एंडिंग एक्टिवेट हो जाते हैं अंदर का स्किन अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाता है ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छा हो जाता है सर्दी जुकाम जैसे जो प्रॉब्लम है वो निकल जाते हैं आँख में अगर लालपन है या आँख में पानी आता है वो कम हो जाता है बहुत सारे फायदे हैं जल निधि के ओके थैंक यू ओके अभी ये क्या करता है स्टिफ जो एंड है वो है दोनों पैर में अंदर रख के ये करने का वो नॉस्ट्रिल के अंदर डालने माउथ ओपन रखने का और आहिस्ते 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 इंसर्ट करने जब भी आपको कफिंग सेंसेशन आएगा तभी थोड़ा सा बेंड होने का और आउट कफिंग करने का तो जो एंड अंदर आया है गले में वो एंड माउथ में आता है तो क्या करने का इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ये दो फिंगर माउथ में डालने का और उसको हल्का सा है जिसको कुछ नाक का प्रॉब्लम है इंजरी है डोंट डू इट स्टिफ नोज है तो मत करना ओके और निकालते वक्त आहिस्ते आहिस्ते माउथ से निकालें दो फोल्ड करके ताकि हाइजीन के लिए हाइजीन मेंटेन के लिए वो चले और दूसरे वेरी गुड पांच बार मसाज हल्का सा करने का जोर से नहीं करने का पैसेंजर नॉट अ बुलेट ट्रेन ओके वेरी गुड इसमें एक टैम में रखने का नाखून कटा हुआ चाहिए नाखून ट्रिम अच्छी तरह से नहीं तो नाखून से इंजरी हो सकता है और माउथ से आहिस्ते आहिस्ते निकालना अभी देखो उनका खाना हो गया है ब्रेकफास्ट खाया है किसी के लोगों ने वो
बहुत ही अच्छा, अभी मेरे को ठीक है। दोनों हाथ से वस्त्र को पकड़ने का और हल्का सा आहिस्ता 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 बाहर निकालने। देखो तेरंग सन में बैठे देखो खगासन में। यस, स्लोली वेरी स्लोली। देखो वस्त्र लोगी का बहुत सारा फायदा है, अपना स्किन अच्छा हो जाता है, स्किन को कुछ ये इन्फेक्शन रहेगा वो निकल जाता है, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, श्वसन दोष निकल जाता है और मुंह का जो गंदगी रहता है वो निकल जाता है। अपने को केमिकल का स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों एंड बाहर आए, ये देखो अभी एक एंड हॉलो है, एक और स्लिप है, तो हॉलो एंड में स्लिप एंड जॉइंट करने का, टाइट करने का और नाक के मार्गों में एक साइड से कैथेटर को बाहर निकालने का जब तक वो जॉइंट सेंटर में नहीं आता। जब भी जॉइंट सेंटर में आ जाएगा तो भी ओपन करने का और ऐसा मसाज करने का। वेरी गुड। और आहिस्ते निकालते वक्त फोल्ड करके निकालो, एकदम जोर से ऐसा मत निकालो, क्योंकि क्या होता है हाइजीन के लिए कपड़े के ऊपर गिरता है, शरीर के ऊपर गिरता है, वो म्यूकस रहता है ना, वो गंदा रहता है। तो वेरी स्लोली प्लीज, वेरी थैंक यू।